1955 में सुनील दत्त की पहली मूवी आई रेलवे प्लेटफॉर्म, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी दूसरी मूवी आई कुंदन, और ये मूवी एवरेज रही। 1956 में सुनील दत्त की तीसरी मूवी आई एक ही रास्ता, और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी चौथी मूवी आई राजधानी, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई किस्मत का खेल, और ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1957 में इनकी मूवी आई मदर इंडिया, और भाई साहब ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पायल, और ये मूवी एवरेज रही। 1958 में सुनील दत्त की मूवी आई साधना, और ये मूवी हिट रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई पोस्ट बॉक्स 999, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1959 में इनकी मूवी आई इंसान जाग उठा, और ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दीदी, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सुजाता, और ये मूवी सेमी हिट रही। 1960 में सुनील दत्त की मूवी आई उसने कहा था, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हम हिंदुस्तानी, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई एक फूल चार कांटे, और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दुनिया झुकती है, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1961 में इनकी मूवी आई छाया, और ये मूवी एवरेज रही। 1962 में सुनील दत्त की मूवी आई मैं चुप रहूंगी, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई झूला, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1963 में इनकी मूवी आई गुमराह, और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई आज और कल, और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई ये रास्ते हैं प्यार के, और ये मूवी हिट रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई नर्तके, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मुझे जीने दो, और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। 1964 में सुनील दत्त की मूवी आई यादें, और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गजल, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई बेटी बेटे, और ये मूवी सेमी हिट रही। 1965 में सुनील दत्त की मूवी आई वक्त, और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी। इसी साल इनकी मूवी आई खानदान, और ये मूवी हिट रही। 1966 में सुनील दत्त की मूवी आई मेरा साया, और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई गबन, और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई आम्रपाली, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 1967 में इनकी मूवी आई मिलन, और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हमराज, और भाई साहब ये मूवी भी सुपर हिट रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई मेहरबान, और ये मूवी हिट रही। 1968 में सुनील दत्त की मूवी आई पड़ोसन, और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई साधु और शैतान, भाई साहब इस मूवी में इन्होंने छोटा सा करेक्टर किया था। इसके बाद इनकी मूवी आई गौरी, और ये मूवी एवरेज रही। 1969 में सुनील दत्त की मूवी आई प्यासी शाम, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई मेरी भाभी, और ये मूवी हिट रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई ज्वाला, दोस्तों इस मूवी में भी इन्होंने छोटा सा करेक्टर किया था। इसके बाद इनकी मूवी आई चिराग, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई भाई बहन, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1970 में इनकी मूवी आई दर्पण, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई भाई भाई, और ये मूवी एवरेज रही। 1971 में सुनील दत्त की मूवी आई रेशमा और शेरा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1972 में इनकी मूवी आई जिंदगी जिंदगी, और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जमीन आसमान, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1973 में सुनील दत्त की मूवी आई मन जीते जग जीते, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई हीरा, और ये मूवी हिट रही। 1974 में सुनील दत्त की मूवी आई कोरा बदन, और दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसी साल सुनील दत्त की मूवी आई गीता मेरा नाम, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्राण जाए पर वचन न जाए, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई 36 घंटे, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1975 में सुनील दत्त की मूवी आई जख्मी, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई उमर कैद, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई नीलमा, दोस्तों इस मूवी में भी इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई हिमालय से ऊंचा, और ये मूवी एवरेज रही। 1976 में सुनील दत्त की मूवी आई नागिन, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई नहले पे दहला, और ये मूवी एवरेज रही। 1977 में इनकी मूवी आई दरिंदा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ज्ञानी जी, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई पापी, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चरणदास, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके
उसके बाद इनकी मूवी आई आखिरी गोली। और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1978 में सुनील दत्त की मूवी आई राम कसम, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई काला आदमी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई डाकू और जवान, और ये मूवी सेमी हिट रही। 1979 में इनकी मूवी आई मुकाबला, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल सुनील दत्त की मूवी आई जानी दुश्मन, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई अहिंसा, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई सलाम मेम साहब, और ये मूवी एवरेज रही। 1980 में इनकी मूवी आई लहू पुकारेगा, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शान, और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई यार दुश्मनी, और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गंगा और सूरज, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई एक गुना और सही, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1981 में इनकी मूवी आई रॉकी, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1982 में सुनील दत्त की मूवी आई बदले की आग, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई दर्द का रिश्ता, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1984 में इनकी मूवी आई राज तिलक, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे इस मूवी को किस किस ने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई लैला, और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई यादों की जंजीर, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1985 में सुनील दत्त की मूवी आई फासले, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1986 में इनकी मूवी आई काला धंधा गोरे लोग, और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मंगल दादा, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1987 में इनकी मूवी आई वतन के रखवाले, और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। 1988 में सुनील दत्त की मूवी आई धर्म युद्ध, और ये मूवी हिट रही। 1991 में इनकी मूवी आई यह आग कब बुझेगी, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई कुर्बान, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्रतिज्ञाबाद, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद सुनील दत्त की मूवी आई है मेरी जान, और दोस्तों इस मूवी में इन्होंने छोटा सा करेक्टर किया था। 1992 में इनकी मूवी आई विरोधी, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1993 में सुनील दत्त की मूवी आई क्षत्रिय, और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई परंपरा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई फूल, और ये मूवी फ्लॉप रही। 2003 में सुनील दत्त की मूवी आई मुन्ना भाई MBBS, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी। 2006 में इनकी आखिरी मूवी आई लगे रहो मुन्ना भाई। दोस्तों इस मूवी के सीन में कई बार सुनील दत्त की फोटो का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मुन्ना भाई के फादर के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों यह था सुनील दत्त का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।